हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्य समाज। आर्य समाज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्य समाज एक तरीके की सोसाइटी थी जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया था या फाउंड किया था, और बेसिकली ये सोसाइटी वेदास पर बेस्ड थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस सोसाइटी का फॉर्मेशन 1875 में किया था मुंबई में। तो गाइस, अब हमें ये जानना है कि आखिर स्वामी दयानंद सरस्वती थे कौन। स्वामी जी का बर्थ 1824 में हुआ था और ये अपने टाइम के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड फेमस हिंदू लीडर थे। आर्य समाज इनकी मेन डिस्कवरी थी जिसके लिए ये जाने जाते हैं। ये संस्कृत एंड वेदास के बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्कॉलर थे, और साथ ही साथ इन्हें मॉडर्न इंडिया का मेकर भी कहा जाता है। तो गाइज, अब आते हैं इसके प्रिंसिपल्स पर। आर्य समाज के प्रिंसिपल ब्राह्मो समाज से इंस्पायर्ड थे, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल था, गॉड एक है और बहुत ही पावरफुल है, उन्हें कोई नहीं देख सकता और हमें गॉड को रेस्पेक्ट करना चाहिए। गॉड ही हर टाइप की नॉलेज और ट्रुथ के सोर्स हैं। थर्ड है, वेदास में हमें हर तरीके की नॉलेज मिलती है और वेदास गॉड के इंस्पायर्ड वर्ड्स हैं, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी हिंदू टू स्टडी देम। और फोर्थ है, हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए और बुराई को रिजेक्ट करना चाहिए। फिफ्थ है, हर पर्सन को अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली एक्ट करना चाहिए और सबसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। और सिक्स्थ है, हमारे माइंड में जितनी भी इग्नोरेंस है उसे हमें हटा देना चाहिए। और नेक्स्ट है, हमें ट्रुथ के अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए। एट्थ है, हमें दूसरों की प्रोग्रेस को अपनी प्रोग्रेस समझना चाहिए। नाइन्थ है, हमें इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करना चाहिए जिससे कि हम अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकें। और टेंथ है, जितने भी रिलीजियस फंक्शंस होते हैं उन्हें वेदास के अकॉर्डिंग करना चाहिए। और इलेवेंथ एंड लास्ट प्रिंसिपल है, इस सोसाइटी का मेन एम इसके मेंबर्स का फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है। तो गाइज, आप ये सारे प्रिंसिपल नोट कर लेना। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं शॉर्ट में। आर्य समाज को स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में फाउंड किया था। इन्होंने स्वदेशी का स्लोगन दिया था जिससे इंडियंस में नेशनल फीलिंग का डेवलपमेंट हुआ था। थर्ड है, इन्होंने कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स किए थे, साथ ही इन्होंने वुमेन को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड कराया था सोसाइटी में। एंड लास्ट पॉइंट है, स्वामी जी वैदिक नॉलेज को स्प्रेड करना चाहते थे इस सोसाइटी के थ्रू। तो फ्रेंड्स, आर्य समाज के सारे टॉपिक्स हम क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।